नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अम्भा, बता दें नगर पालिका अम्भा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्वेश्वर महादेव मेला लगाया जा रहा है। वहीं मेले में खाने पीने की दुकानें भी लगाई गई हैं। इन दुकानों पर खाद्य पदार्थ बनाने के लिए एलपीजी के घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही इन दुकानों पर गंदी का अंबार लगा है, जिससे बीमारी होने का डर बना हुआ है। अम्भा मेला घूमने आए ग्राहक अंजलि और राधा गुर्जर से बात की तो उन्होंने बताया कि मेले में मनमानी रेट पर खाने पीने की चीजें बेची जा रही हैं, जिनकी रेट मार्केट में बहुत कम है। साथ ही उन्होंने बताया कि कदमा हलवाई के नाम से एक दुकान पर खाने का ऑर्डर किया, जब ऑर्डर सामने आया तो थाली में गंदगी देखने को मिली। गंदगी को देखकर हम लोगों ने खाना नहीं खाया। मेले में खाने पीने की दुकानों की गंदगी बीमारी को बुलावा दे रही है, जिन पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार भी फूड पॉइजनिंग जैसा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। अम्भा से खबर समय जगत के लिए ओमकार गुर्जर की रिपोर्ट। And press the bell icon.